पंजाब कांग्रेस में पैदा हुए संकट को खत्म करने के बाद अब पार्टी कांग्रेस की नजर राजस्थान पर है। पार्टी नेतृत्व अब राजस्थान में पैदा हुई गुटबाजी को खत्म करना चाहता है। इसका हल निकालने के लिए पार्टी कैबिनेट विस्तार का सहारा ले सकती है। बता दें कि पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के तरीके के खिलाफ सचिन पायलट ने खुला विरोध कर दिया था। सचिन पायलट अपने समर्थक 18 विधायकों को लेकर दिल्ली आ गए थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व से मुलाकात के बाद वह मान गए थे। कांग्रेस पार्टी आलाकमान की ओर से अजय माकन और केसी वेणुगोपाल को जयपुर में पार्टी विधायक से मिलने के लिए भेजा गया है। दोनों नेताओं ने जयपुर में विधायकों के साथ एक अहम बैठक की है। सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे और गहलोत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में शामिल थे। वहीं बता दें कि उस वक्त कैबिनेट पदों से इस्तीफा देने वाले विद्रोहियों की दोबारा बहाली होने अभी बाकी है, और वहीं गहलोत कुछ निर्दलीय विधायकों को भी अपने कैबिनेट में जगह देना चाहते हैं। 12 निर्दलीय और 6 बसपा विधायक उनकी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वहीं पिछले साल विद्रोह करने के बाद सचिन पायलट के पार्टी नेतृत्व में मान लिया था, जिसके बाद उन्होंने फ्लोर टेस्ट में गहलोत सरकार का समर्थन किया था। तभी से उनकी मांग रही है कि उनके लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिले। वहीं राजस्थान के चीफ व्हिप महेश जोशी ने कहा है कि हम सब ने मिलकर चर्चा की है, इससे कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।